फंगस वर्ड को ही सुनकर बहुत डर लगता है और आज मेरे साथ वही हुआ। मैं हाथ और पैरों में अपने नेल एक्सटेंशन करवा रही थी। आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सच में बहुत डर लगता है ये सब चीजें कराने पर, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं सब नेल एक्सटेंशन कराने पर। मैं तो पहले इसके बहुत अगेंस्ट रहती थी क्योंकि मेरे खुद के नेल्स बहुत अच्छे हैं, खूब बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप ये स्टार्ट करते हो ना नेल आर्ट, फिर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो बस आज नेल आर्ट करवा रही थी हाथों में, तो मैंने सोचा आज पैरों में भी क्यों ना करवा ली जाए। तो मैंने हाथों में तो कभी भी इतने बड़े नेल्स नहीं करवाए, सोच रही थी इस बार ही करवा लेती हूँ क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, लेकिन मैंने शॉर्ट करा दिया। सोचते सोचते मेरा मूड चेंज हो गया। उसके बाद क्या था, हाथों में नेल एक्सटेंशन हो रही थी, मेरे को राउंड शेप चाहिए थे, एकदम शॉर्ट नेल्स हो गए थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इतने छोटे नेल्स को देखकर। लेकिन वही है ना, जितने छोटे होंगे उतना अच्छा काम होगा, जितने बड़े होंगे इतनी प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए मैं हर टाइम शॉर्ट नेल्स ही रखती हूँ। और देखें किस तरह भैया बहुत ही परफेक्टली काम कर रहे हैं मेरे नेल्स पर। एक बात तो है, जब भी मैंने इन भैया से काम करवाया ना, मेरे नेल्स इजीली नहीं निकलते, चाहे 15 दिन भी क्यों ना हो जाए, तो मैं इन्हीं भैया से प्रेफर करवाती हूँ लगवाना। आज मुझे इनकी सर्विस में एक चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, वो है ये कि मैंने जो नेल पेंट बोला था इनको नाइट में, इन्होंने हाथों कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पर वो नेल पेंट इनके पास थी ही नहीं, वो कलर्स नेल पेंट से बना रहे थे। सच में मुझे वाइन कलर लगाना था और काफ़ी सारी नेल पेंट दिखाई इन्होंने, मुझे कोई भी नेल पेंट पसंद नहीं आई। मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैं अपने हाथों में सिंपल कलर रखना पसंद करती हूँ, लाइक वाइन और रेड, और इन्होंने मुझे काफ़ी सारे कलर्स दिखाए थे, रेड में चेरी कैरेट बहुत सारे रेड थे, लेकिन मुझे कोई भी रेड पसंद नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली मुझे वही कलर लगाना पड़ा जो उनके पास अवेलेबल था। खैर दुख तो हो रहा था, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ। 3-4 फिंगर्स में उन्होंने अलग अलग नेल पेंट्स लगाई, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आई। ये देखे, मैंने फोन में उनको दिखाया था कि मुझे यही नेल पेंट लगानी है और मैंने यही सेंड किया था कल रात में, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि नेल पेंट का कलर कैसे बनेगा। बहुत ट्राई किया था। वैसे बचपन में हम लोग भी नेल पेंट के कलर्स ऐसे ही बनाया करते थे, मैं और मेरी बहन तो हमेशा यही काम किया करते थे। हाँ, तो मैं डन हो गया था, मैंने डिसाइड कर लिया था अपने भाई से पूछ के कि मुझे कौन सा लगाना चाहिए, मैं दिखाती हूँ मैंने कौन सा लगाया था। लेकिन जब मैंने फाइनल किया, उसके बावजूद भी भैया ने रेड के और भी खूब सारे कलर्स दिखाए। पसंद तो नहीं आ रहे थे, लेकिन मजबूरी थी एक पिक करना क्योंकि उनके पास वाइन कलर नहीं था। तो फाइनली मैंने जो आप मेरी सेकंड फिंगर में आप कलर देख रहे हो, मैंने वही पिक किया था और मैंने डिसाइड कर लिया था ओके फाइन आई एम गोइंग विद दिस कलर। और मैंने उनको फाइनल करने के लिए बोल दिया कि प्लीज ये नेल पेंट रिमूव कर दो, कहीं इसका कलर भी ना लग जाए मेरे नाखूनों पर। फिर मैंने जब नेल पेंट हटाई तो मुझे लग रहा था मुझे ऐसे ही नेल्स रखने चाहिए, यही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन रख सकता है नेल्स को। नेल पेंट तो चलो मैंने लगा दी थी, डबल कोटिंग कर ली थी, लेकिन जब मेरी बारी आई पैरों की, मैं पैरों में बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि मेरे पैरों में लग चुकी थी फंगस। मेरे फर्स्ट थंब में ही फंगस लग गई थी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं पैरों में कभी नेल आर्ट नहीं करवाऊंगी, स्पेशली जब तक मेरा टो ठीक नहीं हो जाता। आपके भी क्या हाथ पैर में लगी है कभी फंगस? मेरे हाथ में जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब लगी थी। तो जब भी आपके हाथ या पैरों में फंगस लगे, सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड नेल आर्टिंग और नेल पेंट, क्योंकि वो आपकी फंगस को और बढ़ा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करके जरूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।